हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे व्लॉग्स। दिस इज सैयद वलक। हाय गाइस, दिस इज सैयद फलक और आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे व्लॉग्स। और बस यार, चिल मार रहा हूँ गर्मी में, एकदम मस्त। कार बंद करके, नहीं कार बंद नहीं करके, कार का खोल के सब। तो आया हुआ था कुछ काम से बाहर, लेकिन अभी यहाँ पर टाइम लगेगा तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। मैं एक बार की सोच रहा था कि मतलब कुछ है ही नहीं करने को, ज़िंदगी एकदम झंड हो गई है। कोरोना वायरस ने एकदम आतंक मचा दिया है। अच्छा खासा कहीं जा कर चाय पीते थे वो भी बंद हो गया है, काम करना था वो भी बंद हो गया है। करे तो करे गया, यहाँ बगल से ट्रेन की पटरी जा रही है। कोई बात नहीं, सब चीज़ों झेल गए ये भी झेल जाएंगे। हमें जब से मोहब्बत हो गई है, इस दुनिया खूब सूरत हो गई। गर्मी के बारे में पसीना बहुत है, तो मेरे लुक्स और मेरे स्टाइल को आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को मैं अच्छा लग रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात आप लोगों को एक राय देना चाहूँगा कि मतलब अगर कोई, जैसे मान लो अपना यूट्यूब और अपना ब्लॉगिंग शुरू करना चाहता हो, तो एक बात मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगा, भाई मेरी तरह गलती मत करना। जब कुछ बन जाना या कुछ अच्छे जगह पे होना तो स्टार्ट करना, वरना तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो स्टार्ट करना। क्योंकि अगर कुछ नहीं बने होगे तो तुम्हारी स्टोरी ना सुन के आदमी तुम्हारे पैसे देख के तुम क्या क्या खरीद रहे हो, क्या क्या भाग रहे हो, कि अगर मेरे पास भी आज पैसा होता तो अभी मैं कुछ लेने लेने पहुंच जाता, कंटेंट बन जाता। नहीं है पैसा। जब से ब्लॉग शुरू किया है तब से 5 से 6 महीना हो गया है, अभी तक एक्शन कैमरा नहीं ले पाया हूँ मैं। जिंदगी यहाँ तो एकदम क्या ही बताएं यार आप लोग से, एकदम आज मूड में एकदम शेयर करने के लायक, इसलिए मैंने कहा शेयर कर लें। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं, वो हमको देख रहा बैठ के। चलो बस अभी थोड़ी देर पहले वापस आए थे, फिर काम से गए, फिर चेंज करा, फिर काम से गए, फिर अब आए हैं, फिर चेंज करेंगे, फिर बैठेंगे। यार बहुत गर्मी हो रही, अतः गर्मी हो रही, परेशान हो गया हूँ। वो देवदास वाला लुक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मतलब क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, मतलब वैक्सीनेशन का असर। तो मैं अगर आप लोगों को जैसे बताऊँ तो हुआ ये कि पहले जब मैंने करवाया तो मेरा ठीक था, मेरा बिल्कुल बढ़िया था। उस दिन तक मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मैं सो के उठा हूँ तो उसके बाद मुझे थोड़ा फील हुआ कि हाथ में पेन है बस। और इसके अलावा मैं बताऊँ तो उस दिन लगवाने के बाद से लेके एक दिन तक मुझे ये फील हुआ कि मतलब थोड़ा बहुत नींद आ रही है, जबकि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती है। मैं सो नहीं पाता हूँ बिल्कुल, मैं रात भर ऐसी नौटंकी के लिए जागा करता हूँ, समझ नहीं आता है, मैं सो नहीं पाता हूँ। तो मुझे उस दिन बहुत नींद आ रही थी, मतलब असर हमको उसी का लग रहा था। मेरे पापा मम्मी हैं दोनों की एज 45+ है लगभग, पापा की भी 50+ होगी। तो उन लोगों को भी कोई बुखार बुखार नहीं आया है, कुछ नहीं आया है, सिर्फ उनका हाथ में पेन था। मम्मी के हाथ में पेन में ज़्यादा था, पापा का कम था। और मेरे साथ जो देवशीष गया था लगवाने, उसको बुखार चढ़ा था, लेकिन वो एक दिन बाद ठीक हो गया था। नॉर्मल सा पैरासीटामॉल वो लोग बोलते हैं खाने के लिए, वो खाया था ठीक हो गया था। तो ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका हुआ है, मतलब जिनको ये सब मतलब लगवाने के बाद बुखार उखार चढ़ा है। तो ये सब के ऊपर नहीं होता, क्योंकि मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। इंशाल्लाह आगे भी रहूँगा, घर वाले भी मेरे बिल्कुल अच्छे हैं इंशाल्लाह। तो अगर कुछ होगा आगे तो बताएंगे, वैसे अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मुझे तीसरा देना है ये। तो ठीक है, बढ़िया है, मज़ेदार है। तो चलते हैं, आज आप लोग के लिए कुछ अनबॉक्सिंग्स है मेरे पास, बहुत टाइम से रखी हुई हैं, अभी मैं वो करता हूँ। पहले चेंज कर लूँ, मैं बहुत पसीना पसीना हो गया हूँ। तो पहले अभी चलते हैं, तो अनबॉक्सिंग जो करनी है वो आपको दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो चलिए सामान लाते हैं और उसको शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग करना। तो सामान ऐसे आएगा। जादुई शक्ति हमारे पास भी है।
अभी एक एक करके ओपनिंग करते हैं। ये काफ़ी टाइम पहले मैंने मंगवाया था और तब से मैंने इसको खोला नहीं था, ये सब साथ में आ जाता, साथ में खोलते हैं। तो खोल के दिखाना आपको। और याद रखें, कोई भी चीज़ बाहर से आए तो पहले उसको सैनिटाइज कर लीजिए, उसके बाद यूज़ करिए। तो ये मंगवाया था मैंने, मैं कंपनी नहीं दिखाता हूँ, लेकिन ये जिम का शेकर है जो कि है 500 ml का। तो मैंने इसको मंगवाया था, इसमें काफ़ी चीज़ें मुझको मिली हैं। ये शेकर के लिए यूज़ होता है, जो शेकर में याद यूज़ होता है, जैसे अगर आप प्रोटीन उसमें डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा मिल नहीं पाता है, तो ये उसके लिए होता है। साथ में कुछ कंपार्टमेंट्स अलग मिले हैं, जैसे ये हो गया अपना एक स्कूप रखने के लिए, ये हो गया मेडिसिन या कोई भी एस्ट्रॉयड वगैरह जो लेते हैं भाई वो लोग, उन लोग के लिए, और ये एक नॉर्मल कंपार्टमेंट और मिला है। तो इसको थोड़ा मिक्स कर लो तो ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाता है, और फिर आप अपने बॉटल में इसको ऐसे फिक्स कर सकते हो। तो बॉटल अब जाके ये हो गई पूरी बॉटल तैयार, मतलब ये हो गया पहले कंपार्टमेंट उसका प्रोटीन का, फिर ये हो गया सप्लीमेंट के प्रोटीन का, फिर ये हो गया अपना कंटेनर जो 500 ml का होता है। और अब तो मैं इसको यूज़ करके बताऊंगा, ये भी सही लग रहा है, लेकिन इसको मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगा। चलिए इसको रखते हैं साइड में, आपका तो यार मेरा पंखे करना पड़ा आप लोग के लिए, लाइक मार दो, सब्सक्राइब मार दो। ये मंगवाई थी टी शर्ट जो कि है, देख रहे होंगे आप लोग, जॉकी की, बड़ी अच्छी है, वर्कआउट जो करते हैं जो लोग नॉर्मली इसको पहनते हैं बहुत सही है। कलर बढ़िया है, ये हो गया। ये भी सेम टू सेम चीज़ है, बस कलर डिफरेंस है। अच्छा ये कलर ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी बढ़िया। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, ये कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं और ये है साथ में। सॉरी गाइज, अरे आप लोग ने आखिरी में देख नहीं पाए होंगे कि 5 मिनट के बाद वो बंद हो गया था, क्योंकि हुआ क्या कि मतलब वन प्लस के फ़ोन में ये चीज़ है कि अगर 4K पे आप शूट कर रहे हैं या कुछ भी, तो वो थोड़ा कुछ 5 मिनट के बाद वो रिकॉर्डिंग करना बंद कर देता है, बिकॉज ऑफ 4K में बहुत ज़्यादा 60 FPS में काफ़ी रिजोल्यूशन का वर्क होता है, तो वो ज़्यादा फ़ोन बड़ी वीडियो नहीं बनाता है, तो उसकी वजह से फ़ोन वीडियो वहीं पर रुक गई थी। तो होप सो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो पहली बात तो। और मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दोनों चीज़ की क्वालिटी बहुत प्यारी है। शेकर जिन लोगों को लेना हो ले सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक। और क्या नाम है, टी शर्ट भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी जो भी टी शर्ट अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो उसको। तो मेरे ख्याल से तो आप लोग को ये यूज़ करना चाहिए। और बाकी आज मैंने एक नई चीज़ सोची है, क्या सोची, हाँ सॉरी, मतलब मैंने नई चीज़ सोची है कि आज या तो कल मैं अपने बाल कटवा लूँगा, क्योंकि मुझे अब नहीं रहा जा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बाल पहले तो सर्दियों के टाइम या विंटर के टाइम तो बहुत अच्छे होते हैं, जितने बड़े बाल रखो उतना अच्छा लगता है,
लेकिन यार इस गर्मी के टाइम पे बाल बहुत खराब हो जाते हैं। मॉइस्चराइजर हो चाहे जो भी चीज़ हो, मॉइस्चर हो या जो भी क्लाइमेट की चीज़ें हो, मेरे बाल नहीं संभलते भाई मुझसे, तो मैं नहीं रह पाऊंगा अब चाहे जो हो जाए। और वैसे भी अभी केसेस थोड़े हैंडल में हैं, मोहल्ले थोड़े अच्छे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अभी करवा लूँ। और बस कल या परसों मैं आपको एक नया ब्लॉग जब मिलेगा तो हो सकता है ये बढ़िया मिलेगा और मेरे थोड़ा चेहरे वगैरह भी अच्छे लग जाएंगे, जो बाबा आदम जमाने वाली दाढ़ी हम बना के रखे हैं, सब बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और जो लोग अभी तक देख रहे हैं भाई लाइक करना ना भूलें, और प्लस सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर चाहे जितना आपकी मर्ज़ी उतना करिए लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी, अलविदा।